पर हमारा आम भी टकलू हो गया, देख सकते हो गाइस, देख सकते हो पिंकी पिंकी बलून्स रेडी है। तो दोस्तों लुक पर मत जाना, पहले बता दे रहा हूँ। एंड वेलकम बैक टू कविताज ब्लॉग। और हमारी हालत इसलिए ऐसी है बिकॉज आज कोमल का बर्थडे है और हम चाहते थे कहीं और सेलिब्रेट करना, रेस्टोरेंट में डेकोरेशन वगैरह के साथ कुछ यूनिक करना चाहते थे घर पर ही। और वो यूनिक क्या है उसके लिए हमने अभी से तैयारी करना चालू कर दिया। अभी बज रहे हैं 3:30 और दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। और अभी मैं मार्केट से सब्जियां भी लेकर आ रहा हूँ, मैं आपको सब्जियां दिखाता हूँ। ये देख सकते हो ये पूरी सब्जियां लाया हूँ मैं, और ये डेजर्ट स्पेशल वो भी कविता के तरफ से। कविता आम रस बहुत अच्छा बनाती है तो मैंने सुना था, तो मैंने भी आज तक कभी चखा नहीं है इसके हाथ का, लेकिन आज फाइनली वो मौका मिल गया, मैं चखूंगा। और बर्थडे गर्ल अभी भी घर पर है। तो गाइस हम लोग को पहले ऐसा था कि हर आप हमारा हर ब्लॉग देखते हो तो हर टाइम हम लोग कुछ यूनिक करते हैं, तो हम लोग ने सोचा इस बार थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत होगा, बट आप लोगों के साथ हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आम रस बनाएंगे, फिर आप सब देख सकते हो सारी सब्जियां साफ करेंगे, फिर हम लोग बनाएंगे पाव भाजी। तो ब्लॉग को एंड तक देखना। पाव भाजी के साथ साथ मेरा स्टार्टर भी रहेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मैं सब्जियां साफ करने जा रहा हूँ, टाइम नहीं है यार ज़्यादा, लेकिन बीच बीच में हम आपको दिखाते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे, तो बने रहना हमारे साथ ब्लॉग में। दोस्तों सबसे पहले मैं गोभी साफ़ करूँगा, ये मेरा फेवरेट होता है, लेकिन इसको बहुत ढंग से साफ करना होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। तो चलो गोभी साफ़ करते हैं, ये मेरे औजार देख सकते हो आप लोग। दोस्तों सब्जियाँ कटिंग हो गई मेरा, मैंने आई हैव डन माई जॉब ऑलमोस्ट, दिस देख सकते हो। अभी बाकी की और भी चीज़ें बाकी है तो चलो चलते हैं। शिमला मिर्च, कचुंदर, गाजर, गोभी, वटाना, पर हमारा आम भी टकलू हो गया है, देख सकते हो। एकदम मीठे आम है, बहुत मीठे, हम लोग ने थोड़ा सा टेस्ट किया था ये। तो अब चलो इसका आम रस बनेगा और मैं बाकी की सब्जियां साफ कर लेता हूँ। आम पीस चुका है, इसका बन चुका है रस। खुशबू भी बहुत मीठी आ रही है, दिखाओ पास। कैसा लग रहा है गौरी? मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। तो अनुज भाई थोड़ा सा लहसुन छील दो, चलेगा ना? लहसुन साफ करने आया हूँ। गजब बेइज्जती है गाइस, इन लोग के मजे हैं, इसके मजे हैं, उसके मजे हैं। वाओ गाइस व्यू देख सकते हो, वाओ। तो गाइस यहाँ पे मेरी पाव भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और हमारे विनय भैया आ चुके हैं, बहुत बहुत लेट। बड़ी माय भाभी जी को फोन रखो, अपने पास आधा घंटा है, प्लीज प्लीज। ओके छोड़ो खालो छोड़ो छोड़ो। तो गाइस डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा है, डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है, पिंक एंड पर्पल की। अभी क्या कर रहे हो आप? बलून्स। तो गाइस देख सकते हो पिंकी पिंकी बलून्स रेडी है। वाओ थैंक यू विनय यार आने के लिए फटाफट। गाइस आपको बता दूं ये भैया थे वापी में पर हमारे लिए भाग भाग के आ गए। कौन है? अरे कौन आया? सेठ आया, सेठ वापी धंधे पे था। कौन आया? अरे वेलकम। ओ भाई क्या हाल है ब्रो? ये क्या है, क्या बोल रहे हो? 2 दिन से गिफ्ट में पैसा जा रहा है। तो गाइस फाइनली मैं अभी आया अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो मैं भी एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मेरे दोस्तों का। मोटिया है यो ब्रो, वो बात अलग है, धोखा देने में माहिर है। और ये योगेश भाई जान लो, और ये जिगर मेरा जिगर है ये, इसको इससे तो मिले ही रहोगे, थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा होगा बाल। क्या योगेश भाई नया बिजनेस खोला है? हाँ
यहाँ पे कटिंग हो रहा है धनिये का, मतलब कुछ तो रेडी हो चुका है। यस। क्या रेडी हो चुका है अभी देखते हैं। पाव भाजी रेडी। यस। तो गाइस मेरा पाव भाजी हो चुका है, अब बारी है किशन की, तो वो बना रहे हैं पाव भाजी में भी तो वो। यस यस, आपने ही पूरा बनाया। आई नहीं 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 मैंने नहीं, हम दोनों। अभी आप बना रहे हो ब्रेड पकोड़ा जो स्टार्टर्स में आता है। गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पर इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है, सब लोग को जरूर पसंद आएगा, है ना। डेकोरेशन हो गया, लेकिन अब देखते कविता मैम क्या करेगी। ओह माय गॉड। Oh my God! Wow! Wow! Thank you. दोस्तों आज हमने बहुत मेहनत, ज़्यादा मेहनत, इतनी मेहनत मैंने आज तक नहीं की है किसी के लिए। तो हम दोनों ने कोमल के लिए इतनी मेहनत की है, अब देखते हैं कोमल देखकर क्या फील करती है। उनको डेकोरेशन सब कुछ कैसा अच्छा लगता है। तो भाई ने हमारे डेकोरेशन कर दिया है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे किया है। Wow! ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ जाने जाने, वो देखो छोटी में छोटी में छोटी में, वो देखो छोटी में छोटी में छोटी में। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको मेरा पूरा लुक दिखाती हूँ। Oh my God, डेकोरेशन भी हो चुका है। डर गए ना? आजा आजा, आंख बंद करो। अरे उन लोगों को कहाँ छोड़ दिया। आज हिल्स निकाल दो। खोल दो। अरे दूसरे रूम में क्यों लेके जा रहे हो? सजावट तो बड़ी अच्छी करी है, वाह। इन्होंने किया है ये भैया ने, बिना ही सेम कपड़े कपड़े के कलर का ही किया। हाँ आपको पता था ना। देखना दांत ना गिर जाए। अच्छा आया होगा। योगेश भाई तुम जरा देख, अरे भाई सब सही है। अब देखना फोटो चमक जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ना हो गया भाई तुम्हारा सिस्टम। ओ शिट गाइस, ऐसे स्पार्कल से दूर रहे और अपने बच्चों को फैमिलीज को भी दूर रखें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एंड द स्टार बर्न टुनाइट। हैप्पी बर्थडे टू your birthday, happy birthday, it's your birthday, happy birthday। यार तो शादी होने वाला है भाई, आजा भाई आजा। कितना चैटिंग करेगा, आजा। अच्छा पार्टी,
चलो चलो आप लोग। हाँ चालू है। पूरा का, पूरा का। कोमल कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा आपको विनय का? विनय उधर कैसे लो, सॉरी तो भाई जाना मतलब उधर आप ब्लॉग में देखे रहोगे, डेकोरेशन भैया ने ही किया है, मेरे को पता था। हाँ उसको पता चल जाता है। चल इसी बात पे पैसा नहीं लेगा बस। नहीं मेरे को नहीं पता था पैसा दे देना। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ चल तो अभी 500 की पत्ती दे गिफ्ट, ऐसा थोड़ी उधर खड़ा है। जीपे जीपे हाँ मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत नसीब से मिलता है वो, जल्दी हाथ नहीं आता है भाई, वो हाथ नहीं आता है। आज आ गया बहन है भाई। चल अभी अनुज की क्या बोला? अनुज भागना नहीं है। अनुज क्या हुआ, तू क्यों बोल रहा है भाई? क्या पहले मैं दूंगा, मैं दूंगा, शर्म कर। रुक दे रहा है। मैंने क्या बोला? 500 में तो क्या 5000? 5000 ब्लॉग में, ब्लॉग में लो ले। अरे यार सच में 500 ही पिटाई। हां ठीक है ना, चलो भाई मैं तो दे रहा हूं। अरे दिखा ना उसे, दिखा उसे। आ गया गाइस, आ गया। तो 500 कर दिया, अभी तू बाकी है। ऐसे ही नहीं जाएगा भाई, देना पड़ेगा। मैं दूंगा ना, क्यों नहीं दे रहा है? जो गिफ्ट मिल रहा है यहां पे तो गाइज मैं मम्मी जो गिफ्ट लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, क्योंकि मैं से रहा नहीं जा रहा है। मैं लूँ मम्मी लिए बात। तो अरे भाई बैग देख के समझ गया रहेगा। छोड़ो तेरे को डायमंड रिंग है ये तो। वाह हीरे लगे हुए हैं। अरे पहना दो। अरे पहना अभी पहना, तू पहना। सही आओ। मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ वैसा कुछ, पहले मेरे को पसंद नहीं था, लेकिन ये तो पसंद आ गया। महंगा है ना जो दे। चलो क्या है, खोल के तो दे। हाँ हाँ देखते हैं इसमें क्या है। क्या है, क्या है? जला जला जला। जलता भी ऊपर से जला, जला। पता नहीं कैसे कैसे जलता है। मैं इसको दिन भर धूप में रखने का, रात को जला। क्या टैब ऐसा नहीं होता है, मेरे को भी इसने पता नहीं क्या बताया कैसे। हाँ अच्छा, छतरी ऊपर करने का। वाह अच्छा है, गिफ्ट देने में माहिर हो। मतलब कितने जन को नहीं, काफी अच्छा है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे हमारे काम करने वाले लगे हुए हैं, और यहाँ देखो कलदरी केक निकाल रही है, और यहाँ खाने खाने वाले लाइन लगाए हुए हैं। नहीं अभी केक मिलेगा पहले। अरे ये है, कौन आ रहा है? देखिए देखिए कोमल, 12 बज गया। हाउस यू? बढ़िया बढ़िया भैया, क्या हाल है भाई? बढ़िया है भाई, भाई निकाल भाई बोल के। भजन इंट्रो हो रहा है, नहीं भजन इंट्रो। आज साड़ी बन रही है। तो गाइस आज का जो स्टार्टर्स था वो मेरा भाई ने बनाया था, तो चलो अभी सबसे रिव्यू लेते हैं कि कैसा लगा सबको, क्योंकि मैं फ्री बैठी तो मैं ही लेती हूँ। अच्छा था, बहुत सही खाया। अच्छा चलो रिव्यू दो कैसा बना था। मैंने 3.5 पीस खाई है, बहुत अच्छा था। अगर नहीं खाता इतना तो अच्छा नहीं होता। मैं उससे ज्यादा खाया हूँ, हाथ चाट रहा था 2-3 बार। मैं भी चाट रहा था, अभी भी खाने के लिए इसका नाम भी पूछा घर जाकर। अभी भी आया, नानी बोले। पर खाना नहीं खाओगे क्या फिर? खा लेंगे ना, कम खाएंगे पर ज्यादा। कैसा था भाई? बहुत बहुत अच्छा था। मेरी क्या 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 बोल दिया, दो बार और बोला। इस ड्रेस में कुछ जादू है? नहीं इनका कमाल है। अभी क्या भी तो और कैसा था भाई? बहुत अच्छा था। मेरी बेटी को बताऊं, दो और खाओगे? दो और खाओगे? तू
इसको मिला ही नहीं इसको मुझे कैसे लगा बोलते हुए मेरे को मिला ही नहीं 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 उसको दे मेरा बर्थडे खत्म हो गया है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि एक दिन मेरा बहुत अच्छे से गया जो बोलती थी वही हुआ अभी मैं दिखा दूँ यहाँ पे सब गाइस कैसा बना है बताओ बहुत अच्छा तो गाइस फाइनली इस ब्लॉग का एंडिंग करने का टाइम आ चुका है यस गाइस तो उससे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कविता दी भाई और डेकोरेशन विनय भाई ने किया उनको भी और सब लोग ने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए उनको भी और इतने सारे विशेस किए सब लोग उनको भी थैंक यू सो मच कविता दी भाई आप लोग ने मेरे बर्थडे को इतना ज़्यादा स्पेशल किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थैंक यू यार दिल से थैंक यू और डेकोरेशन भी बहुत प्यारा था एंड गाइस मेरी मम्मी ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट किया जो कि आपने देखा ये रिंग जो मैं हमेशा पहनूंगी और इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी क्योंकि मेरी मम्मी ने फर्स्ट ऐसा गिफ्ट मुझे कुछ किया है गोल्ड का डायमंड का तो ये मैं हमेशा अपने पास रखूंगी एंड मेरी बहन जो मुझे ड्रेस इतना प्यारा गिफ्ट की जो मैं बर्थडे के दिन पहन सकी थैंक यू जोयल थैंक यू मेरे दोस्त लोग जो लोग ने मुझे इतना प्यार प्यारा गिफ्ट किया एंड थैंक यू सो मच गाइज जो लोग मुझे इतने सारे विशेस दिए बस महादेव से प्रे करो मैं बहुत आगे जाऊँ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ और आप लोगों को हमेशा ऐसे ही हंसाते रहूँ थैंक यू सो मच गाइस लव यू ऑल